हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है जो कि अप्रैल मई जून में होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साथ में आप ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस जरूर तैयार करें। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस मिलेगा, तो आप उसको भी फॉलो करते रहिए। साथ में हमारे साथ आप 8:30 PM मीन शाम को 8:30 बजे इस ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ट्रिपल सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। निम्न में डैट फाइल एक्सटेंशन का उपयोग कहां पर होता है? तो इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। लास्ट में टोटल स्कोर क्या मिला है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेक्स्ट। जो हमारी डैट फाइल होती है इसको हम बोलते हैं डेटा फाइल, और ये टेक्स्ट के फॉर्म में होती है। जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं वो कुछ अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन को कुछ टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डैट, DAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में फिजिकल एड्रेस के रूप में जाना जाता है, तो NIC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में लिखा रहता है NIC और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक एड्रेस। और कई बार मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है। जितनी भी मशीन्स होते हैं या हमारे जितने भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप होते हैं उन सभी का एक मैक एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट पे हर एक मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उसके मैक एड्रेस से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में हैश रेफ का मतलब एरर मैसेज होता है जो रेफरेंस सेल के डिलीट करने पर दिखाई देता है। तो अगर आप MS Excel में काम कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ सेल्स के एड्रेस यूज किए हैं, अगर आप उन सेल्स के एड्रेस को डिलीट करते हैं तो वहां पे एक एरर मैसेज होता है। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। अगर आप रेफरेंस सेल को डिलीट करते हैं तो वहां पर आपको हैश रेफ नाम का एक एरर मैसेज शो होता है, और इससे हमें पता चलता है कि जिस सेल को या रेफरेंस सेल को हमने यूज किया था फॉर्मूला में वो ऑटोमेटिक या किसी तरीके से किसी ने डिलीट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं? तो पावर पॉइंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसमें एक व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसको यूज करके हम अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, मीन सॉर्ट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे किसी भी स्लाइड को डिलीट करना पॉसिबल है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? और यह भी क्वेश्चन एक्सेल से जुड़ा हुआ है। और एब्सोल्यूट रिलेटिव सेल्स क्या होते हैं, एक्सेल की वीडियोस में मैंने काफी डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एक्सेल के वीडियोस देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर दे पाएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉलर साइन से हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न में से किस केबल का उपयोग नहीं कर सकते? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, PS2। PS2 एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम कीबोर्ड या माउस को सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, इसे प्रिंटर या कोई अदर पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, PS2। और USB, पैरेलल और सीरियल, इन तीनों पोर्ट से हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में यदि आपको एक एक सेल को सेलेक्ट करना है तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में हम उस सेल पे क्लिक करेंगे अगर हमें अलग अलग लोकेशंस की या अलग अलग एड्रेस की सेल को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंपाइलर और इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम कई बार काफी डिटेल में बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। जो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ड्राइवर्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस, ये सब आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। और बाकी जैसे कि एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्राई, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक खास काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर त्रुटि को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पे हैज नेम क्वेश्चन मार्क जो एरर आता है वो आता है हमारा फॉर्मूला एरर। अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूले में कहीं भी कोई भी गलती की है तो इस टाइप का एरर मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VOL कमांड से कंप्यूटर स्पीकर के वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप एमएस डॉस यूज करते हैं, मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसमें कमांड्स के थ्रू अगर आप VOL कमांड का प्रयोग करते हैं तो क्या हम उससे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। VOL एक हमारा कमांड होता है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, VOL कमांड जो होता है वो हमारी डिस्क की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि डिस्क ड्राइव का नेम क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो VOL जो हमारा कमांड होता है उसके थ्रू हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो आर और इससे हमारा एक रन कमांड ओपन होता है। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे सीएमडी और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा रन कमांड ओपन होता है और यहाँ पे लिखते हैं VOL। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे उस ड्राइव का नेम दिखाता है कि उसका नाम है विंडोज और इसका जो वॉल्यूम सीरीज नंबर है वो यहाँ पे B265 समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमारी जो ड्राइव होती है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डी कॉलन लिखते हैं और इंटर करते हैं तो हमारा ड्राइव चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी ड्राइव आ गया। अब यहाँ पे अगर VOL लिखते हैं तो यहाँ पे दूसरी ड्राइव का जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इस ड्राइव का नाम मैंने रखा है रिकवरी और इसका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम किसी भी ड्राइव का नेम और उसका सीरियल नंबर देखने के लिए VOL कमांड को यूज करते हैं। ओके, तो इसको करते हैं एग्जिट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, MAPI का पूर्ण रूप है। तो MAPI का फुल फॉर्म यहां पे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ते हैं तो एक पेपर और पेन साथ में जरूर रखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको अलग से आप नोट डाउन करते रहें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है और ये क्वेश्चन कई बार CCC एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट पे चेक से पैसे कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस सर्वर में दो सर्वर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्वर्स होते हैं, अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डाउन होता है तो उस केस में जो सर्विसेज होती हैं वो सेकेंडरी सर्वर के थ्रू मिलते हैं या सेकेंडरी सर्वर हमारा उस टाइम पे एक्टिव होता है और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इस वजह से डीएनएस सर्वर में दो सर्वर्स यूज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट इफेक्ट किस मेन्यू में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंबल का उपयोग फाइल के नेम में नहीं होता है? अगर आप कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं तो इनमें से कौन से सिंबल को आप उसका नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते? तो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन है एट द रेट, हैश, एस्ट्रिक,
एक्सप्लेनेशन मार्क्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्ट्रिक को हम किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग करते हैं, और कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, इंस्टेंट मैसेजिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है IM। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चैट सर्वर। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो सर्वर यूज होता है वो होता है चैट सर्वर, और इसका एग्जांपल है जैसे कि याहू मैसेंजर या फिर स्काइप, ये सब हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं जिनके थ्रू हम लाइव चैट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128 किस क्लास का आईपी है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास बी। 128 हमारा क्लास बी का आईपी है, और आईपी से जुड़े हुए वीडियोस हमने ऑनलाइन CCC क्लासेस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, इससे काफी सारे क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला से पहले इक्वल ना लगाने पर क्या होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और कई बार ये रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मूला काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2B का पूर्ण रूप है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेस टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है, या इस B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के साथ एक्सेल सीट को कैसे कनेक्ट करें। अगर आपको एमएस वर्ड के साथ में कोई एक्सेल सीट कनेक्ट करनी है या उसमें इंसर्ट करनी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करके उस फाइल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर, जहां से हम एक्सेल वर्ड या कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई भी इमेज फाइल या कोई भी बिटमैप फाइल को हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप CCC एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CCC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ में आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, info@gmail.com। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टोटल स्कोर क्या मिला है। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।